तो दोस्तों अभी हमारे घर पे आ रखे हैं सब्सक्राइबर मिलने के लिए हमारे पड़ोसी गांव के ही। हेलो, आपका नाम? रितिक बड़कर। हाँ, सुपरी गांव के हैं ये। दादी जी भी हैं यहाँ पे, अंकल जी हैं और आंटी जी। हेलो बुल्ला। ये तो मुझे देहरादून में मिला था, इसकी शक्ल मैंने पहचान दी थी पहले ही। और दादी जी को देख के तो बिल्कुल अपनी दादी की याद आ रही है मुझे। मेरी दादी भी बिल्कुल आपकी तरह थी। दादी का दिमाग है ना, सारे सन याद है दादी को, कब किसकी शादी हुई थी, कब हम देहरादून गए थे। हैं, कब बड़ी पढ़ दिया तुम? हाँ, पढ़ाई को बड़ी करी। अच्छा, कथा पढ़िया नो? फिर भी तो दिमाग थे जमनो है, फिर भी। अच्छा, फिर भी दिमाग तुम खूब तेज है। यूं तो ट्यूशन पढ़ा यान बोले होते ऑनलाइन क्लासेस लो मर दादी। हाँ, बाकी बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, देवी के दर्शन करके जाना। हम इसीलिए आए मोनिका बेटे को मिलने के लिए। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा। हम देखते हैं, ब्लॉग देखते हैं आपका। धन्यवाद बहुत बहुत आपका। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम आप सभी को, और फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सजवान ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के लगभग 6:30 बजे से, और अभी हमारी कहाँ जाने की तैयारी हो रही है वो बताएगा हमारा अनमोल ब्रदर। आज हम जा रहे हैं देहरादून। हाँ, और बाकी कितनी एक्साइटमेंट हो रही है? बहुत ज़्यादा। खाने का मन भी नहीं कर रहा है। हाँ, ये खाना भी नहीं खा रहा है, पता है? मैंने उसको बोला खाना खा के जा, बोल रहा नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है, मैं बस चाय पीऊँगा। और आप लोगों को मैं बताती हूँ कि ये स्पेशली देहरादून क्यों जा रहा है। बता, क्यों जा रहा है? देखो, पहले तो मैं विक्रम में बैठना चाहता हूँ। हाँ, कि विक्रम कैसा होता है। फिर दूसरा तीन धारा देखना चाहता हूँ। अच्छा, और स्विमिंग पूल और लंबी लंबी बिल्डिंग देखना चाहता हूँ। अच्छा। तो अक्सर आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ होगा, जब आप लोग पहली बार शहर में गए होंगे तो ऐसी एक्साइटमेंट होती थी। तो ये बहुत पहले से मुझे बोल रहा था कि दीदी मुझे देहरादून घूमना है, क्योंकि ये श्रीनगर से ऊपर कभी गया नहीं था। तो इसने बोला कि आज मैं तेरे साथ देहरादून आऊँगा, तो बाकी सगाई की शॉपिंग वगैरह भी करनी है बहुत सारी। और हमेशा इसके लिए हम लोग ही कपड़े लेते थे, तो हमने सोचा इस बार ये खुद अपनी शॉपिंग करेगा, है ना। और बाकी हेडफोन भी रखा हुआ है। एक्साइटमेंट होती रहेगी, खाना खा के जा, ठीक है? नहीं तो गाड़ी में उल्टी उल्टी हो जाएगी। क्योंकि पहली बार इसका इतना लंबा सफर है। उल्टी नहीं होती मुझे कभी। नहीं होती होगी तो इतना लंबा सफर भी तो पहली बार है, आज ही तो पता लगेगा। तो बाकी इसको देहरादून घुमाते हैं और आप लोगों को बताएंगे कि इसको मैं कहाँ कहाँ घुमाने वाली हूँ। बाकी अभी हम लोग नाश्ता करते हैं, मम्मी भी रेडी हो गई है खेत में जाने के लिए। और बाकी मुझे ना इसे देहरादून ले जाने की बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि ये पहली बार जा रहा है, सब चीज़ें इसके लिए नई नई होंगी। तो देखते हैं इसका रिएक्शन क्या होता है देहरादून जाके विक्रम में बैठ के। कभी भी मैं देहरादून जाती हूँ ना, मेरा बैग घर से ही इतना फुल हो जाता है ना, क्योंकि मम्मी इतनी सारी चीज़ें रखती है शीतल के लिए, रखना भी जरूरी है। हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम, कैसे हो आप लोग, सब ठीक ठाक? तो दोस्तों, ये शीतल के लिए घी रखा मैंने, उसके लिए बना रखा था। और हमारे देवर जी यहाँ स्कूल में रहते थे, उनको भी मैं घी पहुँचाती थी। पहुँचाना किसके पास है, फिर भी मैं देख रही हूँ कोई श्रीनगर वाला जाने वाला होगा। हाँ, तो जरूर उनके लिए भी घी भेज दूंगी। तो ये शीतल के लिए है। हाँ, बाकी और क्या कर रखा है शीतल? चाहे इसको खाए, चाहे बेचे। हाँ, चाहे जिसको भी दे, वो उसकी मर्जी है, उसकी मर्जी है। बाकी अनमोल को पूछो आज क्या कितनी एक्साइटमेंट हो रही है, कैसी खुशी हो रही है आपको? मम्मी की याद नहीं आ रही? तो दोस्तों, मोनिका तो जाती रहती है, उसके बिना भी बहुत बुरा लगता, पर जितना बुरा मुझे आज लग रहा है, ये बेचारा है मेरे से दूर, खा रही, अकेली मैं हूँ घर में, क्या होगा मेरा? खुशबू इतनी आ रही है दोस्तों, क्या बताए इस पे। हाँ, इतनी खुशी हो रही है उसको जाने की, बोल रहा मेरे को खाना खाने का भी मन नहीं कर रहा। इनको जल्दी भगा देना वहाँ श्रीनगर से, इतने सारे कमेंट करना। हाँ, देहरादून से इतनी जल्दी भगा देना इनको, ये जल्दी जल्दी मेरे पास आ जाए। देर तक रहूँ बस, देर तक रहूँ घर में दोस्तों, क्या नहीं होता आजकल, जैसे भी होंगे। कब से हमारे पीछे पड़ा हुआ था कि मेरे छुट्टियों में खाली गोबर डलवा रहे हो, ऐसे ही बोल रहा था, रोज मेरे से ऐसे लड़ाई कर रहा था, मैंने जाना है। तो दोस्तों ठीक है, मम्मी जाएगी खेत में, भेजना जल्दी कर, हम जाएंगे खेत में, जाऊंगी। तो दोस्तों, अभी हम लोग निकल चुके हैं घर से, और आज मम्मी के साथ सभी चाची लोग आने वाले हैं गेहूं काटने के लिए। काश मैं भी होती उनके साथ वीडियो बनाने के लिए, लेकिन ये है ना, एक जिद पे जिद, आज चल कल चल, आज चल कल चल, बस इसी चक्कर में हम लोग जल्दी जा रहे हैं। सेंट सूंट सब रखा हुआ इसने, देहरादून में पूरा कहर मचा देगा ये। बाकी हम लोग ये तो बैग उठा, बाकी हम लोग जा रहे हैं मंदिर से होते हुए, वहीं पर माता रानी के दर्शन करेंगे, आशीर्वाद लेंगे, उसके बाद चलेंगे आगे के लिए। तो अभी मम्मी यहाँ पे दराती पे धार लगाने लगी हैं, क्योंकि दराती पे धार लगेगी तभी गेहूं शक तभी कटेंगे। दोस्तों, काटना क्या है, सुअर का खोपड़ा काटना है। हाँ, तो खराब कर दिया सुअर ने हमारा। सिंगर चाची के घर पे आ रखे हैं, और यहाँ पे हैं हमारी दादी जी। दादी वेग नाश्ता अब टाइम। और यहाँ पे देखो हमारा कालिया भाई, हाँ, कोदले बना रहे हैं, दिखाओ कोदले की टोकरी, ये देखो भाई, जोशी मठ से बिल्कुल कोदले।
बनते थे कोल्ले, वो कोल्ले नहीं है। जोशी मोर से बुला रखा है स्पेशल सेम कोल्ले बनाने के लिए, जो सिर्फ हाथ से पाता है। प्योर कोदज नहीं हो, यूं नहीं मिलो यहां थोड़ा सा। अच्छा ये भाई अगली पूछना है। हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग, प्रणाम, राधे राधे, जय माता दी। दोस्तों तो दोस्तों फिर से ये लड़की जाने लग गई है दोस्तों, हम कुछ दिन बाद नहीं दिखेंगे। इसको समझा दो ढंग से, इसको दोस्तों कमेंट में बता देना, दो चार दिन तक हम नहीं आएंगे। आज वो भी रेडी हो रखा है, वो अनमोल भी रेडी हो रखा है। अरे बहुत खुश, तीन धारे दो खंड बल्का ना मुन बल, तीन धारे उसको दिखा देना अच्छी तरह से, तीन धारे बोल लंबे धारे दिखा देना इसको। आप मम्मी के साथ? अरे मेरे भी वहाँ ये सफा चट कर रखा है, बोल मैं क्या करूँ। ठीक है ठीक है, चलो तब मिलते हैं कुछ दिन में। ठीक है ठीक है, बाय बाय। चलो तो आज को तीन धारा भी दिखाएंगे, विक्रम भी दिखाएंगे, बिल्डिंग भी दिखाएंगे, सब धानी चलो। हाँ खाना भी। तो दोस्तों आज से माँ चंडिका का दीवारा मठाना खाल का होगा, तो आज माँ नारी देवी यहाँ से जाएंगी मठाना गांव में। और अभी हम मंदिर में पहुँच गए हैं, ये देखो माँ नारी देवी की कृपा आप पे बनी रहे, और दादी पे देखो पानी लेके आ गई, सवेर सवेर एक्सरसाइज है तब है ना। तो चलते हैं मंदिर से होते हुए आशीर्वाद लेते लेते। चलो भाई किले हूँ ये किले सवेर सवेर जो लियो मैं पानी बोलूँ। ये देखो पहाड़ों के छोटे छोटे बच्चे भी कितने मेहनती होते हैं, इतना छोटा खुद चल नहीं पा रहा, और यहाँ पे देखो पानी का डब्बा ले जा रहा है। ये पहला गुस्सा थी ना, तो कुछ नहीं, ये कुछ ना मैं कुछ हूँ भाभी ओके भाभी सुन, ये भाभी दूर है, भाभी तो भूख नहीं लियो ना, भूखी थी भाभी सलास में दूर ले तेरा चुंगा मां। अच्छा भी दे दो हाय कर, सभी दे हाय इनबो खूब चनमुन है, खूब चनमुन इनबो। चल बाय 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 कर तो दोस्तों आज जा रहा हूँ मैं देहरादून, और बहुत खुशी हो रही है अंदर से कि पहली बार जा रहा हूँ ना, तो अलग अलग चीज़ें देखने के लिए मिलेगी। तो देखते हैं दीदी कहाँ कहाँ घुमाती है दीदी। बिल्कुल कोशिश करेंगे सब जगह घुमाने की, एक तो टाइम भी कम है ना, बहुत सारे काम है मुझे वहाँ पे, और तब देखते हैं कितनी कितनी जगह घुमाती है दीदी, और नए नए कपड़े भी लेंगे फिर घर भी आएंगे। हाँ और चल आगे चल, आज हम लोग जाने वाले हैं रोडवेज से, हमारे सत्रखाल से ही रोडवेज आती है डायरेक्ट देहरादून के लिए सीधे ISBT तक, तो 8 बजे वो बस आती है। अभी टाइम हो रहा है लगभग 7 बज रहे हैं, तो हम लोग बिल्कुल टाइम से आ गए हैं। तो चलते हैं अनमोल को देहरादून घुमाते हैं, सबसे पहले तो तीन धारा घूमेगा ये, उसके बाद देहरादून पहुँचेगा। तो मम्मी जाएगी यहाँ से खेत में, और हम लोग जाएंगे यहीं से आगे के लिए। चलो तो जाएंगे इधर, मैं जाऊंगी इधर, अपना ख्याल रखना, अनमोल का ख्याल रखना, अपना भी। गाड़ी में ढंग से बैठना, ये मेरे को बोल रहा है रो क्यों रही है वो। हाँ रो रही हूँ मैं, जब तो ड्यूटी पे जाएगा कभी तब रोऊंगी ना, ड्यूटी ढंग से रखना बेटा वहाँ पे इसको, ठीक है अनमोल का, उसको बहुत ख्याल रखना वहाँ पे। अच्छा हाँ, और कुछ? और कुछ नहीं है। आपके लिए क्या लाना है? मेरे लिए कुछ नहीं लाना, तुम खुश हो तो मैं भी खुश हूँ बस। फोन पर बंदा भी सूट ले ले, सच में नहीं बोलूँ सूट है, रिकॉर्डिंग करूँगी उससे। मर्जी बोल लिया तो मम्मी इमोशनल ब्लैकमेल कर दी, क्या बोलती है क्या बोलती है, लाना तब जे लाना हां जे लेता हूं तुम मर्जी। ऐसे चिढ़ाते रहते हैं मेरे को, जाओ तो फिर है देर हो जाएगी। चलो बाय बाय बाय, मिस यू बाय, मेरे यूट्यूबर फैमिली अपना ख्याल रखना, मुझे भी खूब कमेंट। रात को डर तो नहीं लगेगी सोने में? अब देखती हूं किसी को बुलाऊंगी, डर तो लग रहा है। सिंगर चाचा को बुलाना, सिंगर चाचा को बुलाना। हां सिंगर चाचा ने पर कपाल दूंगा मैं उसको, वो नहीं आएगी, वो बोलेगी नहीं दीदी मैं नहीं आ रही, मेरा ये काम वो काम पर। देख चलो चलो कोई नहीं, अकेले भी रह लूंगी क्या। चलो पतला दौरी चाची भी देखो नीचे वाले खेत में जा रखी है गेहूँ काटने के लिए। हेलो ठीक ठाक, चलो रे चलो स्कूल के बच्चों के लिए यहाँ पे देखो गाड़ी भी पहुँच गई है, और आज है आरुषि का बर्थडे। आरुषि यहाँ देख, आरुषि यहाँ देख, आरुषि का आरुषि इधर देख, हैप्पी बर्थडे आरुषि, गिफ्ट मिल गया आरुषि को आज, उसको पैदल नहीं जाना पड़ा। आज बर्थडे के दिन इसको बैठा हुआ आराम से। तो अभी हम लोग पहुँच गए हैं सत्रखाल मार्केट में, और यहाँ पे ना 7:30 बजे हिमगिरी एक्सप्रेस आती है, और ठीक 8 बजे आती है रोडवेज। ये वाली तो ऋषिकेश तक जाएगी, इसलिए हम लोग डायरेक्ट जाएंगे देहरादून वाली में। अनमोल भी वेट कर रहा है यहाँ पे। अभी हम लोग रुके हुए हैं तीन धारा से थोड़ा पीछे, और जैसे हम लोग यहाँ पे रुके ना, अनमोल का फर्स्ट रिएक्शन यही था कि यही है तीन धारा। तुझे क्या लगा? मैंने समझा यही है तीन धारा।
लेकिन हम तीन धारा से लगभग 1.5-2 किलोमीटर पीछे रुके हुए हैं क्योंकि यहाँ पे है नीलकमल रेस्टोरेंट और ज़्यादातर रोडवेज गाड़ियाँ ना यहीं पे रुकती हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा खाना मिलता है। तो अभी हम लोग खाना खाने के लिए जाएंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे खा रहे हैं खीरा, वो भी घर के नमक के साथ, बहुत ज़्यादा टेस्टी हो रहा है। बाकी कैसा रहा एक्सपीरियंस गाड़ी में? तबीयत ख़राब तो नहीं रही क्योंकि इतना लंबा सफ़र इसका पहली बार है। बाकी यहाँ से मैं आप लोगों को ना व्यू दिखाती हूँ, ये देखो इतना सुंदर नज़ारा दिख रहा है यहाँ से। थोड़ी देर यहाँ पे लगभग आधा घंटा खाना खाने के लिए गाड़ी रुकती है, उसके बाद चलेंगे हम आगे के सफर में। अभी दिन के खाने का टाइम हो गया है और अभी हम लोग यहाँ पे खाना खा रहे हैं। ये देखो अनमोल भी लगा हुआ है खाना खाने पे, मस्त हो रहा। तो दोस्तों फाइनली दिन के लगभग 2:30 बज रहे हैं और अभी हम लोग पहुंच गए हैं ISBT देहरादून में और गर्मी से हालत ख़राब, बहुत गर्मी हो रही ना गांव के हिसाब से। और बाकी अनमोल को कैसा लग रहा है? मस्त लग रहा है। तो अभी हम लोग यहां से जाएंगे विक्रम में, शीतल के रूम तक। चलो तो विक्रम में बैठाएंगे इसको। यस आ गया, ज़्यादा गर्मी हो रही है देहरादून में, क्या बताएं आपको। पहले दिन ही हमारी हालत ख़राब हो गई ऐसा डर। तो दोस्तों अभी बज रहे हैं शाम के लगभग 6:30 और शीतल ले जा रही है अपनी नगरी में हमें घुमाने के लिए। हेलो दोस्तों, सबको नमस्ते प्रणाम, स्वागत है हमारे ब्लॉग में। खुशी वाला तेरे बिना सब दुखी है, सब बोल रहे देहरादून जाओ शीतल को दिखाओ, बाकी कहाँ ले जा रहे हो घुमाने के लिए? अब देख लो ढंग से। हाँ कहाँ जा रहे हम घूमने के लिए? घूमने जाना हम तो ताजमहल। बाकी अनमोल लगा हुआ था कि मुझे गोलगप्पे खाने हैं तो इसको हम ले जा रहे हैं गोलगप्पे खिलाने के लिए। ये आईफिल टावर बन गया इतना लंबा। वही तो, इतना लंबा, हमसे भी लंबा दिख रहा है भाई ये। और भाई अनमोल कैसे हो रहे गोलगप्पे? मस्त। मजे तो भाई इसके हैं, जिस चीज़ पे हाथ रख रहे हैं वही मिल रही है इसको। अभी इसका मन था चॉकलेट शेक पीने का तो अभी यहाँ पे पी रहा है चॉकलेट शेक। मेरा मन नहीं था, शीतल का भी बिल्कुल मन नहीं था क्योंकि हमने गोलगप्पे खा लिया था, हमारा पेट भर गया था। बाकी मौज ही मौज है, मेरा नहीं भरा अभी। हाँ हाँ, तो खा ले जो तेरा मन कर रहा है क्योंकि ये कभी कभी आता है हमारे साथ, तो इसलिए जो बोलेगा वही मिलेगा इसको। कैसे हो रहा टेस्ट? बढ़िया। तो दोस्तों अभी बाहर से घूम घाम के हम लोग आ गए हैं और सब्जी वगैरह भी ले ली है हम लोगों ने, तो अभी चलते हैं रूम पे और आज के ब्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा और थकान भी बहुत ज़्यादा लगी है तो इसीलिए ब्लॉग को एंड करते हैं, आराम करते हैं। चलो तब बाय बाय गाइज, बाय बाय, मिलेंगे कल वाले ब्लॉग में।